लेट्स मेक ज़बरदस्त किस्म का लहसुनी कीमा। इसको कोई भी बना सकता है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। सबसे पहले कुकर रखेंगे और ऐड कर देंगे इसमें हम ऑयल। तेल को करेंगे बढ़िया से गरम, उसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ खूब सारा लहसुन डालेंगे। साथ में डालेंगे कुछ हरी मिर्चें जो कि मैंने बड़े टुकड़ों में करके रखी हैं। हल्का सा क्रैकल करेंगे, फिर इसमें ऐड कर देंगे मटन का कीमा। आप चाहें तो बीफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं, बीफ कीमा भी डाल सकते हैं। प्याज बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और इसको तब तक भूनेंगे जब तक इसमें ऑयल रिलीज़ ना होने लगे। जैसे ही ऑयल आएगा तो फिर इसमें ऐड कर देंगे हम नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर से दोबारा से भूनेंगे इसको बढ़िया से। अच्छे से भुन गया है कीमा, फिर ऐड कर देंगे इसमें हम पानी, थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अब हम इसको गला लेंगे तो कुकर को करेंगे बंद और इसमें लगाएंगे कुछ सीटी, 2-3 के लगभग सीटी लगाएंगे। कुकर को फिर ठंडा कर लेंगे और खोल के देखेंगे, चेक करेंगे इसको। कीमा बढ़िया से गल गया है, अच्छे से गल चुका है। अब गैस को करेंगे चालू और इसको हम भूनना स्टार्ट करेंगे। तो फिर इसमें ऐड कर देंगे हम काली मिर्च का पाउडर, इसको भूनना स्टार्ट करेंगे। इसको हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें ऑयल रिलीज़ ना होने लगे। ऑयल रिलीज़ होने लगे इसका मतलब रेडी हो गया है कीमा। इस तरीके से जब दिखने लगेगा, इसमें ऑयल रिलीज़ हो गया है, बनके तैयार है हमारा मज़ेदार सा कीमा। इसको हम नान, रोटी, इसको सबसे पहले तो हम कुलचों के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है कुलचे के साथ, और आप चाहें तो रोटी के साथ या नान के साथ, किसी भी के साथ भी इसको खा सकते हैं।